तो हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल जारी है। इसी की पुष्टि रविवार रात मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने की है। साथ ही इस दौरान बाबरिया कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नजर भी आए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग जीत के लिए पूरे कॉन्फिडेंट हैं और जो है 90 सीट में से भारी जंगी बहुमत से हम जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की डिपॉजिट कई सीटों पे चली जाएगी, वो भी मैं आपको पूरा जो है विश्वास से कह सकता हूँ। सर पैनल में कितने कितने नाम जा रहे हैं, कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं होता है, कितने पैनल में, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक ही और जो है दो से ज्यादा भी हो सकता है। इट नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कल सीईसी की बैठक में सभी सीटों पर चर्चा हो जाएगी क्या? उम्मीद है, सूची में समझ रहा हूँ परसों तक आपको मिलनी चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा विधायक ज्यादातर सब लोग जो है रिपीट हो जाएंगे, मगर उसमें जिसकी भी कमजोरी है तो निश्चित रूप से उसका भी आकलन किया जाएगा। सर अभी कई दावेदार मिले थे जो ये कह रहे कि टिकट नहीं मिले तो हम फिर बागियों के चुनाव लड़ेंगे, किसने कहा? आप नहीं, आपके मन से उठ रहा है। बाकी कांग्रेस का कोई भी एक भी कैंडिडेट, एक भी वर्कर कह नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है कि कोई बीजेपी से आया हुआ कोई बंदा हो, बीजेपी ने यहाँ प्लांट किया हो, बंदा बोल सकता है, बाकी कोई नहीं बोला है। सर कांग्रेस ने 70 पार का लक्ष्य दिया है, आपने जो कहा था कि 70 पार जाएंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने कहा है 85 से ज्यादा। अरे वो गलती कर दी, जैसे ये डेट में गलती कर दी ने, ही मेंट टू से 95 प्लस, समझे मैं क्या कह रहा हूँ? वो 85 नहीं, वो कल्पना की दुनिया में रहते हैं तो 95 भी आपको बता सकते थे।